बहुत लोग कमेंट करेंगे नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपको नहीं लगता है नहीं है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इन डेप्थ राइड रिव्यू करने वाले हैं NS200 BS6 जो कि E20 कंप्लाइंट है। 2024 में रिलीज़ किया हुआ नया मॉडल है। इसमें आपको ऑल LED हेडलैम्प मिल जाते हैं, पीछे का टेल लैम्प थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, स्पीडोमीटर में चेंज किया गया है। मुझे कुछ चीज़ खास पसंद नहीं आया वो मैं आपको इस वीडियो में फ्रैंकली बताने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने इसका टॉप स्पीड चेक किया था, वो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। सेकेंडली, आप सबके लिए जो भी NS के 200 लवर्स हैं उन सबके लिए सबसे बेस्ट एक एक न्यूज़ है जो मैं आपको देने वाला हूँ। प्रैक्टिकली मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया है, मैंने यूज़ किया, मैंने देखा है वो काम कर रहा है, एंड इन वीडियो आई एम गोना शो यू दैट। सो आफ्टर दैट यू गाइस माइट फील दैट यस, जो भी मैंने बोला है वो कितना सही है। सो या विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन द रिव्यू। सो दिस इज़ दी ऑल न्यू NS200 2024 एडिशन। इसमें आपको तीन कलर मिलते हैं, ब्लैक, व्हाइट और रेड। इसमें आपको ऑल LED हेडलैम्प मिल जाते हैं, थंडर लोगो जैसा आपको DRL मिलते हैं, इंडिकेटर्स जो है वो KTM के यूज़ किए गए हैं, तो इसमें आपको LED इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। 43mm के USD फोक मिलते हैं ताकि बेटर स्टेबिलिटी हो। यहाँ पे आपको जो है मड फ्लैप मिलते हैं, ड्यूअल चैनल ABS मिलते हैं, सेम बेसिक्स जो पहले आते थे, डिस्क मिलते हैं, ग्रीमिका के आपको ब्रेक्स मिलते हैं, 17 inches अलॉय, 180/70 सेक्शन का टायर, 200 का यहाँ पे बैजिंग है, एवरीथिंग इज सेम, पेरीमीटर फ्रेम, 200cc इंजन, 24.5 BHP एंड 18.7 Nm टॉर्क, स्लीपर क्लच है इसमें। यस, इंजन के बारे में अगर बताऊँ तो स्लीपर क्लच है। अगर आपको फील होता है कि यस यू कैन एनालाइज कि स्लीपर क्लच है कि नहीं, आप टेस्ट राइड पर जाओ, इसको यूज़ करो, आपको पता चल जाएगा। तो यस, इट कम्स विद स्लीपर क्लच। बहुत लोग कमेंट करेंगे नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपको नहीं लगता है नहीं है। एनी वे, अपार्ट फ्रॉम दैट, लिक्विड कूल्ड है, FI इंजन है, रेडिएटर है, आपको सामने मिलता है लिक्विड कूलिंग, दिस इज द रेडिएटर। यहाँ पे आपको जो है कैटलिटिक कन्वर्टर के साथ आपको अंडर बिली एग्जॉस्ट मिल जाता है, दिस इज स्विंग आर्म, दैट्स द टायर, 17 inches, 130/70 सेक्शन के टायर्स, मड हगर्स ऑन द रियर साइड, ग्रीमिका के ब्रेक्स रियर की तरफ है, एंड दिस इज द मड फ्लैप, एंड इट हैव गॉट अ मोनो सस्पेंशन ओवर हियर। कमिंग टू द रियर साइड, ये रियर चेंज हो चुका है, अभी आपको स्नैप में जो आ रहा है पिछले वाले मॉडल में आया करता था, बट अभी ये नए वाले मॉडल पे ऐसा दिया है, ये थोड़ा एक्सटेंड हो चुका है। यहाँ पे लाइट, नंबर प्लेट, यहाँ पे आपको दोनों तरफ रिफ्लेक्टर, दिस इज द LED इंडिकेटर, साड़ी गार्ड आपको इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से मिलते हैं, दिस इज स्विंग आर्म, चेन स्प्रॉकेट, साइड स्टैंड है, 6-speed गियर बॉक्स है विथ स्लीपर क्लच, वंस अगेन आई विल से दैट। एंड NS200 सीट वही है, पुराने वाले 12 लीटर का टैंक है, E20 कंप्लाइंट इंजन है, एंड यहाँ पे आपको मोड बटन, इंडिकेटर, हॉन्क, यहाँ पे आपको जो है हाई बीम, लो बीम और सब इसी में आपको मिल जाते हैं। सो यस, आपको नया देखने को मिलेगा, यहाँ पे है आपको USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, दिस इज़ द स्पीडोमीटर, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, सो दिस इज़ हाउ, इसका साउंड काफ़ी प्यारा है, आई मीन लाइक NS नेवर डिसअपॉइंट विथ यू विद द एग्जॉस्ट नोट। यहाँ पे आपको मोड बटन मिलते हैं, कितना आपको फ्यूल रेंज कितना बाकी है, ये सब कुछ वो आपको यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे सेटअप का बटन है, ये मोड बटन अभी काम नहीं कर रहा है, पता नहीं शायद से इसको कनेक्टिविटी ब्लूटूथ के साथ जो कनेक्ट होता है, सो दिस इज़ अ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला मॉडल, जिसमें आपको यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी, टावर, कॉल, मैसेज, मिस कॉल अलर्ट, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। सो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि इसका टर्न बाय टर्न नेविगेशन ये कैसे काम करता है, आपको कैसे कनेक्ट करना है बजाज के कौन से ऐप से कनेक्ट, वो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसका मिला दूंगा। न्यूट्रल आपको यहाँ पे फ्यूल गॉज मिलता है, बहुत छोटा सा फ्यूल गॉज आपको दिया गया है, एंड देन यहाँ पे जो है टैकोमीटर मिलते हैं, स्पीडोमीटर मिलते हैं, साइड स्टैंड, बाकी आपको सब कुछ मिलता है। यहाँ पे रेड कलर का लाइट ब्लिंक होता है जब आप चलाते हो, और अगर आप हाई रेव लिमिट में करते हो तो ये ग्रीन में बदल जाता है, ब्लू, रेड और ग्रीन ये ब्लिंक करता है। सो ये तो कुछ से बेसिक्स है, एंड यहाँ पे आपको दो मिरर्स मिलते हैं, वही ब्रेक है, एंड एवरीथिंग इज सेम। सो या अभी इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं ऑन रोड, आपको दिखाते हैं इसका परफॉर्मेंस, इसका पावर डिलीवरी कैसा है, और ऑलमोस्ट आई मीन लाइक इंजन इज सेम, तो आपको सब कुछ सेम ही देखने को मिलता है। मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसका LED हेडलैम्प को थोड़ा रिव्यू करूँगा कि इसका पावर कितना है, वो आप वीडियो ज़रूर देखना बिफोर परचेजिंग। बाकी आपको ये हेडलाइट कैसा लगा, ये स्पीडोमीटर का कंसोल डिजिटल आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से टैकोमीटर वॉज मोर ब्यूटीफुल, बिकॉज टैकोमीटर से वो फील आता था कि हाँ ये बाइक जो है RPM ऐसे उठता था, तो वो ज़्यादा मुझे बेटर फील होता था, बट इसमें आपको उतना कुछ फील होता नहीं है, मीन लाइक दैट डजंट गिव दैट एनालॉग वाला फील। तो ये अभी इसको चलाते हैं ऑन रोड, आपको मैं स्लीपर क्लच भी दिखाता हूँ, हाउ डू आई कैन से दैट यस इट हैव गॉट अ स्लीपर क्लच, रेस्ट मिलता है आपको रोड में। गेटिंग बैक टू द रोड, सो ऐसा कुछ दिखता है इसका ऑल LED हेडलैम्प, एंड अभी इसको चलाते हैं ऑन रोड, बाइक इज स्टार्टेड। Thank you.
10.5000 RPM पे ये कट करता है, बट ओवरऑल द एक्सपीरियंस इज रियली गुड। बहुत ही जल्दी ये पावर को पिकअप कर लेता है। पीपल हु आर गोना बाय दिस, दे गोना लव इट। द परफॉर्मेंस इज रियली गुड। इसका जो USD फोक है उसका एक बड़े का सबसे प्लस पॉइंट ये लगा कि ये स्टेबल काफ़ी होता है, लाइक गड्ढे वगैरह जो भी होते हैं ना उसमें स्टेबिलिटी काफ़ी देता है। जब आप कॉर्नर करते हो, जब हाई स्पीड पर चलते हो ओवर 100 km/h, तो आपको बहुत अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। हैंडलिंग ज़्यादा वॉबलिंग नहीं करता इसमें। एंड आई न्यू इट दैट आई विल बी स्टक ऑन दिस ट्रैफिक। सो जो इसका जो इंस्टेंट पिकअप है बहुत ही प्यारा है। एंड इसमें आपको स्लिपर क्लच मिलता है, वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। बहुत लोगों को हजम नहीं हो रहा कि इसमें स्लिपर क्लच कैसे आ चुका है। सो राइट नाउ व्हाट एवर द स्पीड आई एम डाउन शिफ्टिंग, झटका नहीं दे रहा है। यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर है, सो अभी मैं चौथे गियर पे हूँ, पाँचवा छठा राइट। एट सिक्स गियर इफ आई एम डाउन शिफ्टिंग एट टू गियर 5 4 3 2, ये झटका नहीं दे रहा है। जिसमें स्लिपर क्लच नहीं होगा उसका चक्का ऐसे वॉबलिंग करेगा पीछे से, बट इसमें वो नहीं है। सो इट हैव गॉट अ स्लिपर क्लच, ट्रस्ट मी गाइस, गो फॉर इट, टेक अ टेस्ट राइड। नहीं तो ऑफिशियल्स के मे भी, अगर ऑफिशियल्स ने बताया होगा तो ठीक है वेबसाइट पे, नहीं तो आप मेरा बात को मान लो। एनीवे, आई एम ऑलवेज अ NS लवर फैन। इससे पहले मैं 3 बार NS ले चुका हूँ एंड आई हैव रिडन फॉर NS का सिर्फ मैं ऑलमोस्ट 1 lakh kilometer प्लस चला के रखा हूँ। सो यस, नो वन कैन राइड और अंडरस्टैंड यू नो मोर बेटर देन मी अपार्ट फ्रॉम फ्यू राइट। उसके अलावा यहाँ पे आपको बॉडी कंट्रोल काफ़ी अच्छा मिलता है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि इसमें आपको USD सस्पेंशन मिलते हैं, स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छा है। देखो सीटिंग पोजीशन वही है, गियर में आपको वही 6 speed गियर बॉक्स ही मिलते हैं। सो इसमें स्लीपर क्लच है तो यू कैन अपशिफ्ट इजीली, बट इसमें आपको ऑटो ब्लीपर नहीं दिया गया है तो यू कैन नॉट डाउन शिफ्ट यू नो एट अ वेरी हाई पेस। पर इसका एक चीज़ मुझे फील होता है कि अगर आप छठे गियर पे होते हो ना, अगर आप एक्सेलरेटर देते हो तो ये थोड़ा सा लैग होके देन ये सडन पिकअप पकड़ता है। लाइक आफ्टर 7.5000 RPM दिस पुल्स लाइक एट अ वेरी हाई पेस। सो 7500 RPM को आपको क्रॉस करना पड़ेगा टू गेन दैट इंस्टेंट टॉर्क, इंस्टेंट पुल राइट। अगर आप उससे नीचे हो तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा या फिर आपको गियर शिफ्ट करना होगा। सो जब आप गियर शिफ्ट कर देते हो तो आपको फील होता है कि यस यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ रूम टू यू नो एक्सलेट। अभी ये एक फ्लाईओवर है, इसमें थोड़ा भगाते हैं एंड देन आपको फील होगा कि यस हाउ डज दिस बाइक फील ऑन हाई स्पीड। देखो ये जो गड्ढे वगैरह जा रहे हैं ना, अगर ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन होता तो बाइक थोड़ा सा वॉबल करता, लेकिन ये USD फोक है, अपसाइड डाउन फोक, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये जो गड्ढे वगैरह जा रहे हैं तो स्टेबल है सस्पेंशन एंड उसके कारण ये बहुत अच्छे से रोड को पकड़ के रख रहा है। जो ग्रिप से कुछ खास नहीं है, अगर आप शार्प टर्न कॉर्निंग वगैरह लेते हो देन यू माइट रीच इन टू अ फैटल सिचुएशन। तो टायर पे आप ज़्यादा भरोसा मत करो। मैंने जब NS ओन किया था तब मैंने पीछे 140 सेक्शन का टायर लगवाया था, सामने 110, तब जाके मैं बहुत प्रॉपर तरीके से लीन कॉर्नर कर सकता था। उसके MRF जैपर के टायर मैंने लगाए थे तो उसके ग्रिप्स भी काफ़ी अच्छे थे, बट इसमें आपको उतने प्रॉपर अच्छे ग्रिप्स नहीं मिलते हैं। सो दिस इज़ अ 1 drawback, तो कीप दैट इन माइंड। रेस्ट इतना ही बोलूँगा दैट दिस बाइक फील्स गुड, बट अगर पर्सनली कहूँ तो मुझे जो टैकोमीटर था ना, जो RPM मीटर जो होते हैं, वो जो इस तरीके से उठता था और उसके साथ जो स्पीड इंक्रीज होता था राइट साइड के पैनल में, वो मुझे सबसे बेस्ट लगता था। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ आई मीन लाइक इट गिव्स मी रिजेंबलेंस ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ यू नो स्पीडोमीटर में मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब स्पीड उठ रहा है, आपको फील नहीं हो रहा है,
आरपीएम उठ रहा है, आपको फील नहीं हो रहा है, इसमें आपको एलईडी इंडिकेटर्स दिए गए हैं, आउट ऑफ रियली अप्रिशिएटेड। अगर वो हैजार्ड इंडिकेटर का बटन अगर कहीं पे दे देते, मतलब ये एलईडी इंडिकेटर, तो ऑफकोर्स मैं चाहूँगा कि मेरा हैजार्ड इंडिकेटर ग्लो करे एट अ इमरजेंसी सिचुएशन, पर यहाँ पे हैजार्ड इंडिकेटर नहीं है। एनएस का मुझे और चीज़ बहुत पसंद है, वो इसका अंडर एग्जॉस्ट बेली साउंड, इसका इतना जो बूमी नॉइज़ एक निकलता है जब आप इसको हाई रेस करते हो, जब आप इसको 6.5000 के आरपीएम के बाद आप जब उसको लेके जाते हो, तो ये जो साउंड निकालता है, जो एग्जॉस्ट में एक बूमीनेस है, वो सिग्नेचर साउंड बहुत प्यारा लगता है मुझे। आई होप सबको सुनाई दे रहा होगा। सो NS 200 इज़ नोन फॉर रिलायबल इंजन, NS 200 इज़ नोन फॉर लॉन्ग टूरिंग। मैंने तो बहुत सारे लॉन्ग टूरिंग किया, मतलब 1500 किलोमीटर बिलो 18 आवर्स के अंदर मैंने किया है बहुत बार। तो येस, आई कैन से इट हैव गॉट अ रिलायबल इंजन। आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इसको चला सकते हो, नॉन स्टॉप चला सकते हो, बस कभी आफ्टर 1000 किलोमीटर जस्ट इसको थोड़ा सा 10-15 मिनट या आधे घंटे का थोड़ा रेस्ट दे देना, तो ये इंजन दोबारा रिवाइव हो जाता है वापस से चलने के लिए। नहीं तो आपको एक इंजन में लैग फील होता है अगर आप कंटिन्यूसली 18-19-20 घंटे तक अगर आप चलाते हो। रेस्ट इसका पिकअप तो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, बिकॉज आफ्टर 7500 RPM इट पुल्स लाइक दिस। सो या मैं लाइक दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप कमेंट करके जरूर बताओ आपको डिजिटल मीटर का कंसोल कैसा लगा, आपको ऑल एलईडी हेडलैम्प का वीडियो मैं आपको बहुत जल्द ला के दूंगा, कनेक्टिविटी, साइड बाई साइड इंडिकेटर टर्न जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में। तो अगला इसका 2 वीडियो आने वाला है। एंड स्लिपर क्लच है गाइज, ट्रस्ट मी, मैं इतने सालों से रिव्यू कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं हो सकता इन टर्म्स ऑफ दिस। इट हैव गॉट अ स्लिपर क्लच, मैंने आपको करके भी दिखा दिया, राइट? सो या नाउ यू कैन गो फॉर नो रेडीमेड स्लिपर क्लच आ चुका है इसमें। सो या विदाउट ऑल सेट, बाय बाय, टेक केयर राइडर्स, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। टिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ, डू शेयर दिस वीडियो।